मैं बार बार कहता हूं कि कब तक बच्चे और बच्चियों का शोषण होगा, कब तक दहशत में बिहार की बेटियां होंगी। पटना में दो बच्चों के यौन शोषण के बाद हत्या, तीन भाई पर एक बेटा, पूरा परिवार वीरान हो गया। मुजफ्फरपुर में 200 बच्चियों के साथ नौकरी के नाम पर लगातार एक गैंग के द्वारा यौन शोषण, इसमें कई बड़ी मछलियां पदाधिकारी इन्वॉल्व, लेकिन अभी तक न तो न्याय मिली, न तो न्याय के रास्ते दिखे और न ही कोई उम्मीद जगी। और आज रात में छपरा में दो बच्चियों की निर्मम हत्या पिता के साथ, तीन ट्रिपल मर्डर, तीन हत्या, आखिर कब तक ये दहशतगर्दी लोग, कब तक इनके भीतर डर नहीं होगा, कब तक इनके भीतर कानून का डर नहीं पहुंचेगा, कब तक हमारे बच्चियां, हमारे परिवार के लोग असुरक्षित रहेंगे। छपरा लगातार हत्या के लिए सुर्खियों में रहता है, चाहे चुनाव की हत्या हो, चाहे लगातार कोई घटना घटे, चाहे कल रात तीरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्या अब कोई नेता वहां बोलेंगे, कोई नेता वहां जाएंगे? क्या इस पर गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी बोलेंगे? क्या इस घटना पर कोई एसआईटी जांच होगी, एसएफएल रिपोर्ट जाएंगे? क्या न्याय मिलेगी कि ये भी थाना के गंदे किताबों में दब के रह जाएगा? मैं न्याय की उम्मीद करता हूं और उम्मीद करता हूं सत्ता पक्ष विपक्ष के शीर्षस्थ नेताओं से एक बार पटना के दोनों बच्चे और इस बच्चियों पर भी बोलने की हिम्मत दिखाइए और जाने की हिम्मत दिखाइए। धन्यवाद। मैं बार बार कहता हूं कि कब तक बच्चे और बच्चियों का शोषण होगा, कब तक दहशत में बिहार की बेटियां होंगी। पटना में दो बच्चों के यौन शोषण के बाद हत्या, तीन भाई पर एक बेटा, पूरा परिवार वीरान हो गया। मुजफ्फरपुर में 200 बच्चियों के साथ नौकरी के नाम पर लगातार एक गैंग के द्वारा यौन शोषण, इसमें कई बड़ी मछलियां पदाधिकारी इन्वॉल्व, लेकिन अभी तक न तो न्याय मिली, न तो न्याय के रास्ते दिखे और न ही कोई उम्मीद जगी। और आज रात में छपरा में दो बच्चियों की निर्मम हत्या पिता के साथ, तीन ट्रिपल मर्डर, तीन हत्या, आखिर कब तक ये दहशतगर्दी लोग, कब तक इनके भीतर डर नहीं होगा, कब तक इनके भीतर कानून का डर नहीं पहुंचेगा, कब तक हमारे बच्चियां, हमारे परिवार के लोग असुरक्षित रहेंगे। छपरा लगातार हत्या के लिए सुर्खियों में रहता है, चाहे चुनाव की हत्या हो, चाहे लगातार कोई घटना घटे, चाहे कल रात तीरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्या अब कोई नेता वहां बोलेंगे, कोई नेता वहां जाएंगे? क्या इस पर गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी बोलेंगे? क्या इस घटना पर कोई एसआईटी जांच होगी, एसएफएल रिपोर्ट जाएंगे? क्या न्याय मिलेगी कि ये भी थाना के गंदे किताबों में दब के रह जाएगा? मैं न्याय की उम्मीद करता हूं और उम्मीद करता हूं सत्ता पक्ष विपक्ष के शीर्षस्थ नेताओं से एक बार पटना के दोनों बच्चे और इस बच्चियों पर भी बोलने की हिम्मत दिखाइए और जाने की हिम्मत दिखाइए। धन्यवाद।